Students of M1, how are you all? Okay, students, today in maths, our topic is project of number 4 and you have to do practice of number 4 in your workbook, page number 33 and 34. Okay, let's start our work. Yes, project of number 4. This one is number 4. ये कौन सा नंबर है? नंबर 4. ठीक है, कैसे लिखना है ये मैं आपको बताती हूँ. यहाँ पे हम काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4. 4 पेंगुइन्स. कितने हैं? 4 पेंगुइन्स. अब नंबर 4 कैसे लिखना है देखें, यहाँ डॉट से स्टार्ट करेंगे. इसका मतलब है ये एरो आ रहा है तो आपने नीचे को लेके जाना है. फिर यहाँ से हम इधर को टर्न करेंगे, इधर स्टॉप करने के बाद ऊपर से फिर नीचे को लाइन बनाएंगे तो ये हमारा नंबर 4 बन जाएगा. मैं अब आप को लिख कर बताती हूँ. ये देखें, यहाँ से नीचे लेकर आए इस लाइन तक, ठीक है. उसके बाद इसको यहाँ से इधर को टर्न करेंगे, ओके. और फिर यहाँ ऊपर से नीचे लेकर आएंगे तो ये हमारा क्या बनेगा? नंबर 4. ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी आपको लिखना सिखाते हैं. यहाँ से फर्स्ट डॉट से लेकर आएंगे सेकेंड डॉट पे, फिर सेकेंड डॉट से हम यहाँ पे टर्न करेंगे और यहाँ से थर्ड डॉट से फोर्थ डॉट पे लेकर आएंगे. दोबारा से दिस वन एंड लाइक दिस, ओके. दिस वन इज नंबर 4. अगेन दिस वन इज नंबर 4. वंस अगेन दिस वन इज नंबर 4. नंबर 4. दिस वन इज नंबर 4. नाउ पेज नंबर 34. अब 34 पे भी आपने नंबर 4 की प्रैक्टिस करनी है. देखें, उस पर भी सेम पैटर्न से लिखना है कि फर्स्ट डॉट से स्टार्ट करके सेकेंड डॉट पे, फिर यहाँ से टर्न करेंगे, उसके बाद ये जो थर्ड डॉट है उसको फोर्थ डॉट तक लेकर आएंगे. ये हमारा बन जाएगा नंबर 4. इसी तरह आप जो है नंबर 4 की प्रैक्टिस करेंगे अपने वर्क बुक में पेज नंबर 34 पे. ठीक है, नंबर 4 को आपने पढ़ना भी है अपने रीडर से और नंबर 4 को अपनी वर्कबुक के पेज पे लिखना भी है. ठीक है, इस तरह अपना पेज कंप्लीट कर लेंगे. ओके, थैंक यू.